तो अगर आपके पास है Redmi A3 मोबाइल और आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो कैसे कर पाएंगे? तो स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए दोस्तों आप अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन बार को इस तरह से स्क्रॉल कीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड ऑडियो का ऑप्शन मिलता है। अगर दोस्तों क्या आप किससे रिकॉर्ड करना चाहते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वो दोस्तों यहाँ पे आपको इस पर टाइप करना है। यहाँ पे डिवाइस ऑडियो और माइक्रोफोन का ऑप्शन मिलता है, और दोनों से रिकॉर्ड करना है तो यहाँ पे आपको डिवाइस ऑडियो एंड माइक्रोफोन का ऑप्शन मिलता है, इस पर दोनों पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको शो टचेस ऑन स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है, आप जहाँ भी आप टाइप कर देंगे वहाँ पे आपका दोस्तों दिखाई देगा क्या आप दिखाना चाह रहे हो। तो यहाँ से आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट पे क्लिक करते हैं दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे हमारा मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखते हैं इस तरीके से आप टाइप करेंगे तो आपके मोबाइल में दोस्तों ये बिंदी जैसा आकार देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको बंद करना रहेगा, तो कैसे आप बंद कर पाएंगे? दोस्तों आपको नोटिफिकेशन बार को स्क्रॉल करना है, यहाँ पे स्टॉप का ऑप्शन आ जाता है, स्टॉप पे क्लिक कर देंगे और आपके मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो रहता है वो स्टॉप हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आप इस तरीके से अपने मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्ड कर पाओगे। वीडियो से वीडियो को लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं किसी नई वीडियो में।